हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं। इसके साथ ही दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि आईकोर क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमारे आर्थिक विकास में निवेश और बचत की क्या भूमिका होती है, यानी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की भूमिका क्या होती है, इस बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन को जानते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन सबसे पहले इस दो वर्ड्स को समझते हैं। कैपिटल जैसे हिंदी में सब पूंजी और फॉर्मेशन का मतलब निर्माण। ये क्या होता है, जैसे कि कोई भी इंसान अपने किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए ऐसी कोई वस्तु खरीदता है जिससे उसे प्रोडक्शन में हेल्प मिलता हो, ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ये कैसे इसे समझेंगे एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कि एक कोई बुनकर हैं, यानी कि कोई कपड़े बनाने वाले हैं, जो कपड़ा सिलाई करते हैं। ये इंसान मान लीजिए भाई साहब कपड़े की सिलाई करते हैं, ये कपड़े की सिलाई सुई धागे से करते हैं और हाथ से बुनते हैं तो इनको बहुत टाइम लगता है बुनने में। अब ये क्या करते हैं, अभी सोचते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम मशीन खरीद ले तो हम कपड़े की बुनाई ठीक से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पैसे, अगर इनके पास कुछ पैसे आते हैं यानी कैपिटल जो आती है, इसको इन्होंने इन्वेस्ट किया और इन्होंने मशीन खरीद लिया। तो ये जो मशीन हुआ है ना, तो इसे हम ये बोलेंगे कि ये इंसान ये अपने कैपिटल को कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज किया, यानी कि ये जो मशीन हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। तो कैपिटल फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब यह है कि कोई ऐसी वस्तु हम खरीद लेते हैं जो हमारे उत्पादन में वृद्धि देता है, यानी हमारे उत्पादन जिस गति से पहले चल रही थी अब उत्पादन उससे भी अधिक गति से चलने लगेगी, और यही होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को जानने के लिए इसमें हमें जान लें कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का उपयोग जो है हमारे देश में प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जैसे अभी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उनका, जो कपड़े बना रहे थे, वो अगर दो लोग होते, मान लीजिए वो अकेले एक दिन में एक कपड़े बना रहे हैं हाथ से बुन के, लेकिन जब उन्होंने मशीन खरीद लिया यानी कि अपने पूंजी लगाकर कैपिटल फॉर्मेशन कर लिया और उसके बाद जब वो कपड़े बनाएंगे तो एक दिन में मैक्सिमम 10-15 बने और अधिक कपड़े बना पाएंगे, मान लीजिए कि 10 कपड़े बना पाएंगे। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे कैपिटल फॉर्मेशन के होने के बाद हमारे प्रोडक्शन में, यानी उस इंसान के प्रोडक्शन में वृद्धि हो गया। तो जब कोई भी एक भी व्यक्ति के प्रोडक्शन में वृद्धि होता है, अगर ऐसे सारे व्यक्ति लोग अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएँ तो हमारे देश के प्रोडक्शन में वृद्धि होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन का भूमिका यही होता है कि हमारे देश में किसी भी तरह का प्रोडक्शन करने में सहायता देता है और हमारे प्रोडक्शन को तेज कर देता है। इसके तहत तीन चीज़ होती हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के, एक GFCF, स्टॉक्स और वैल्यूएबल्स। ये GFCF क्या है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे यहाँ। स्टॉक्स क्या होता है, ये कोई भी इस तरह की जमा पूंजी हो सकती है। स्टॉक्स ये हमें हमारे पास ये कोई वैल्यूएबल वस्तु के रूप में हो सकता है, कोई पूंजी हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे वस्तु हो सकती है जो हम लोगों ने रखा हो पहले से और हमें उसे सेफ महसूस हो कि अगर हमारी बिजनेस नुकसान में भी जाती है तो हम उस वस्तु को बेचने के बाद हम उस नुकसान से उबर पाएंगे। तो होता है स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब समझ लीजिए कि जो स्टॉक में रखते हैं ना, जैसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि देखो हमारे पास इतने ये सामग्री जो स्टॉक में है, तो वही स्टॉक्स। ये वैल्यूएबल्स में हम मुख्य रूप से गहने रखते हैं, गहने यानी कि ये जो गहने होते हैं, या फिर कोई भी मूल्यवान वस्तु, ये होते हैं वैल्यूएबल्स। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर तीन चीज़, GFCF, स्टॉक्स और वैल्यूएबल्स। तो अब ये जानते हैं कि अब GFCF क्या होता है। GFCF को पढ़ते हैं, इसमें इसको अब मिटा देते हैं। GFCF देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। ये जो फिक्स्ड वर्ड है इसे ध्यान में रखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड कहने का क्या मतलब है, इसमें बस इतना ही अंतर है कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। जैसे कि ऐसी कोई भी वस्तु का हम निर्माण करते हैं जो, और उससे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वो वस्तु हमारे पास एक साल से अधिक टिकेगी। पहली बात, एक साल से अधिक टिके। दूसरी बात, इसमें हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु का इस्तेमाल से, अगर हम मान लीजिए कि पहले प्रोडक्शन जितना भी कर रहे थे, अगर हम उसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें या फिर थोड़ा सा घटाना चाहें, तो हमें उस वस्तु को चेंज नहीं करना पड़े। इसके लिए हमारा GFCF होता है, यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि इसमें एक ड्वेलिंग लिखा है हमने,
ड्वेलिंग क्या होता है, ये जो रहने वाले घर होते हैं, रहने के घर होते हैं, वो ड्वेलिंग्स होते हैं। ये अदर बिल्डिंग्स जैसे कि कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो सकते हैं, या स्ट्रक्चर में हम ले सकते हैं जैसे कि रोड हो गया, हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स में आते हैं। इसके अंदर देखिए चार पांच चीज़ें होती हैं जिसको हम समझ लेते हैं क्या है, जैसे एक मशीन और इक्विपमेंट्स। अगर कोई आप मशीन भी लगा ली, जैसे कि वो बुनकर साहब मशीन लगाए थे कपड़े बनाने वाले, उनकी मशीन एक साल से अधिक टिकेगी ही, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात है नहीं। और वो अगर चाहे कि अगर 10 कपड़े का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर वो चाहे 12 कपड़े का फॉर्मेशन करें तो भी कर पाएंगे, अगर चाहे 8 कपड़े का फॉर्मेशन कर पाएँ तो 8 भी कर पाएंगे। तो अगर उत्पादन में थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे करना है तो उसके लिए उन्हें उस मशीन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हुआ कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड तीसरा चीज़ है कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या है कि आप मान लीजिए कि अपने खेत में आप आम का बगीचा लगा रखे हैं और आप इस उद्देश्य से लगाए हैं ताकि उससे आप बिजनेस के उद्देश्य से लगाए हैं ताकि आप उससे प्रोडक्शन कर पाएँ, तो वो आएगा कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई आपने गाय पाला हुआ है, एक दो जो धार्मिक रूप से पाल रहे हैं उसको नहीं, आपने कई सारी गाय पाले हुई हैं और उसका उपयोग आप सिर्फ प्रोडक्शन की दृष्टि से करते हैं, उनसे दूध निकालने के लिए पाले हुए हैं, तो ये आता है बायोलॉजिकल कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। इसके अलावा जैसे कि सनफ्लावर्स के होते हैं, सनफ्लावर्स जो लगे होते हैं जिसका खेती जो है मुख्य पर्पस ऑयल फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, तो वो भी होता है। तो इस तरह के जो भी चीज़ हुए जिनका उत्पादन किया जाता है वो कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। चौथी चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स, ये होते हैं सॉफ्टवेयर। इसको सीधा मतलब समझिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। अच्छा, अगर आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं तो एक साल से अधिक तो चल ही जाता है, क्या दिक्कत है, और उसकी भी एक लिमिट होती है, क्षमता होती है कि सॉफ्टवेयर इतना से इतना तक काम करेगा, तो ठीक है ना। अगर उसमें चाहे थोड़ा बहुत बढ़ाना थोड़ा बहुत घटाना तो घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स। और ये भी बताया गया कि डिफेंस वेपन सिस्टम भी हमारे GFCF में होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा GFCF। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, ये मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। देखिए इस बार जो है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो है GFCF, और GFCF में जो सबसे ज़्यादा योगदान मिला वो है ड्वेलिंग से मिला है। बस सारी बातों का सार इतना ही है, एग्जाम में यही पूछेगा कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो उसमें था GFCF का। और GFCF में पूछते कि GFCF में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो उसमें था ड्वेलिंग का उत्पादन की दृष्टि से। तो GCF का मुख्य काम होता है हमारे देश में अभी किसी भी देश के प्रोडक्शन की गति को तेज करना। तो अब दूसरा टॉपिक लेते हैं आईकोर, आईकोर को जान लेते हैं। देखिए आईकोर एक छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। देख लीजिए आईकोर क्या होता है, ये जो होता है हमारे पूंजी की उत्पादकता को बताता है, पूंजी की उत्पादकता। इसमें पूछा जाए कि ये इसका जो रिलेशन है हमारे GDP से, यानी पूंजी की उत्पादकता से आईकोर का रिलेशन क्या होता है, तो इसमें सबसे विपरीत संबंध होता है दोनों के बीच, यानी कि आईकोर और कैपिटल फॉर्मेशन इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है एकदम उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दो बात हम लिख सकते हैं कि अगर चेंज इन कैपिटल यानी कि सॉरी पूंजी में पूंजी उत्पादकता अगर ये ज़्यादा है, पूंजी उत्पादकता अगर ज़्यादा है तो आईकोर कम होगा। अगर आईकोर कम है, और दूसरी बात यहाँ लिख लीजिए, दूसरी बात अगर आईकोर कम है तो पूंजी उत्पादकता ज़्यादा होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा ये दो स्टेटमेंट से कि आईकोर और प्रोडक्टिविटी में क्या रिलेशन है।
क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आप याद रखिए कि आइकोर और कैपिटल प्रोडक्टिविटी पूंजी उत्पादकता का जो रिलेशन होता है एकदम उल्टा होता है, जब पूंजी उत्पादकता अधिक होगा तो आइकोर कम होगा, जब आइकोर अधिक होगा पूंजी उत्पादकता कम होगी। और ये पूंजी उत्पादकता हम कैसे देखेंगे कि इसको निकालेंगे इसका अनुपात, और इसका अनुपात से हमें पता लगेगा कि ये आइकोर कितना है। आइकोर अधिक कैसे होगा, जितना ज़्यादा अनुपात उतना ही ज़्यादा, अगर अनुपात ज़्यादा आता है तो आइकोर कम, और आइकोर कम और अनुपात कम आता है तो आइकोर ज़्यादा। तो ये हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक आइकोर भी ख़त्म हो गया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो टॉपिक है वो है हमारे आर्थिक विकास में बचत निवेश की भूमिका, बचत और निवेश की भूमिका। देखिए ये इसको समझने से पहले एक बात समझ लेते हैं, एक मिनट। आर्थिक विकास में बचत निवेश की भूमिका, ये बचत हमें, अगर बचत कब होगा, बचत तभी होगा जब हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी जब हमारे पास सेविंग होगी, और सॉरी इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट अभी करेंगे जब हमारे बचत होगा। ये दो बात सिंपल सी जो है नज़र आ रही होगी। तो देख लीजिए इसके लिए एक बात को पहले ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सेविंग्स हैं, यानी बचत है, ठीक है, बचत है तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट ही करेंगे ना, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कहीं कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो उससे में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अभी बताया मैंने कैपिटल फॉर्मेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और यही होती है आईकोर, बताया अभी ना, यही होती है आईकोर। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम जनरेट होगा, और यहाँ इनकम होगी तभी तो सेविंग होगी। देखिए ये दिख रही होगी कि एकदम सर्कुलर इसमें रिलेशन चल रहा है कि सेविंग होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ही कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इनकम जनरेट होगा, और इनकम जनरेट होगा तो भी तो हम सेविंग कर पाएंगे। और यहाँ जो प्रोडक्टिविटी आई, यही होता है आईकोर। तो ये हमारे आर्थिक विकास में बचत निवेश की भूमिका कुछ इस तरह से होती है, ये आपको याद रहेगा। ये छोटे से टॉपिक थे जो आप समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक में देखते हैं ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये देख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल कैसे, ह्यूमन को कैसे कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज करेंगे, तो ह्यूमन को भी कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हम दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो मंदबुद्धि टाइप के हैं, दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं जो जिनके पास नॉलेज भी है ठीक ठाक, उनके स्वास्थ्य भी ठीक है, और वो ठीक ठाक हैं हर क्षेत्र में। अगर हम इन दोनों व्यक्ति को एक ही काम करने को दे दें तो कौन बेहतर तरीके से करेगा, तो आपका जवाब सीधी सीधे तौर पे ही होगी कि जो व्यक्ति कुशल है, जो शिक्षित है, वो ठीक से काम करेगा कोई भी काम हो। तो जब इस तरह की बात आए तो जो व्यक्ति शिक्षित है, कुशल है, वही ठीक से काम करेगा। लेकिन एक बात सोचिए कि कहीं ऐसा हो कि जो व्यक्ति मंदबुद्धि है, हम उस पर पैसे खर्च करें, उसको हम पढ़ा दें, उसकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो उसकी हेल्थ पे पैसे खर्च करें और उसकी हेल्थ ठीक कर दें, प्रशिक्षण करें, उसे ट्रेनिंग करें। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि एक मंदबुद्धि इंसान को हम बुद्धि वाला इंसान बना सकते हैं, और जब वो बुद्धि वाला इंसान हो जाएगा तो वो भी उतना ही प्रोडक्शन कर पाएगा जितना पहले वाला इंसान कर रहा था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, और यही होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा जो टॉपिक, इसके अलावा एक और जो टॉपिक है सोशल कैपिटल, देखते हैं सोशल कैपिटल क्या होता है। ये कुछ नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति से आपका जुड़ाव जो है, एकता है, हेल्पिंग नेचर है। आप कहीं गए, कोई किसी व्यक्ति को हेल्प कर दिए, कहीं ऐसा दिन पता चला कि आप कहीं गए हैं, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो व्यक्ति आपको देखे और उनको दिमाग में ये बात खटक गया कि ये व्यक्ति मेरा हेल्प किया था, उस टाइम वो आपको वहाँ से निकाल सकते हैं।
तो हम अपने व्यवहार से जो भी लोग को बनाते हैं, जो भी लोग के साथ हमारा व्यवहार होता है, जैसे हम अपना विश्वास किसी के प्रति जमाते हैं, ये सारी हमारा सोशल कैपिटल होता है। और ये कई बार हमें कई तरह के बिजनेस में भी हेल्प मिल जाता है। जैसे आपने कई बार कई फिल्मों में देखा होगा कि कोई ऐसा हीरो है जो बहुत पहले हेल्प कर रहा था उसका, फिर बाद में कहीं फंसता है तो फिर उसे कोई निकाल देता है। तो ये होता है सोशल कैपिटल, जहाँ हम अपने व्यवहार को, एकता, जुड़ाव आदि को ध्यान में रख के, उनसे जुड़ाव रख के ये कैपिटल को फॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में बस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।